देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। ईद मिलादुन नबी को लेकर आज संसद भवन में मीटिंग, इस मीटिंग में क्या निर्णय लिए गए? हर बार हर साल मीटिंग ली जाती है रास्तों को लेकर, लाइट के पोल को लेकर, खंबे को लेकर, इस बार क्या कोई अलग विषय थे? विषय यही थे, मगर एक बात थी कि इसमें मंत्री महोदय भी हाजिर थे जो दो मर्तबा मेरे साथ बिजली कंपनी के साथ मीटिंग किए। जो मसाइल जब थे वो जो कि तू है 20 करोड़ रुपया कहाँ जा रहा है साल का, ये उनसे पूछा जाए, ऐसा हमने बोला है। और कमिश्नर साहब को ये बोला है कि यार जो रास्ता मसौरा चौक पर मुफ्ती इस्माइल और दादा हुसैन ने कुदाल मारी थी, उद्घाटन किया था, वो पिछले साल मुझको बोला गया कि ये मिर्जा गालिब रोड पास हो चुकी है, ये पक्का बन जाएगा, मगर ये साल जैसा कि वैसा ही है, तो एक साल काम क्यों लेट हुआ, ऐसा मैं दादा गुस्से के सवाल किया हूँ। शहर के एमएलए इतने बड़े सवाल पर अगर पालक मंत्री आजीव थे, कलेक्टर थे, एसपी थे, जिला एसपी थे, शहर के एमएलए इस मीटिंग से गायब थे, ये तो उनसे जाके पूछना चाहिए कि आज देश के हालात कितने खराब है और मराठा रिजर्वेशन के आंदोलन चल रहा है और हमारे शहर में ये गणेश उत्सव और मिर्जा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक दिन पे हो सकता है या एक दिन बाद आएगा, जब कभी भी आएगा तो जवाब तो नुमाइंदे को देना पड़ेगा अगर कोई हालात कुछ होते हैं तो। ये मीटिंग आज शहर हित में थी, शहर के लिए, अगर वो होते तो शहर के कुछ मसाइल को यहाँ रख सकते थे, उठा सकते थे? जी बराबर रखा सकते थे, क्योंकि कल वो कब्रस्तान की रोड पे कमिश्नर के साथ दौरा किए, जिसे दादा हुसैन ने कहा कि जो जो रोड पर गणपति हो या ईद मिलाद का जुलूस है वो रोड को पहले बनाया जाए, सीविट कंक्रीट में बनाया जाए, ऐसा वो बोले। ये मुफ्ती इस्माइल साहब भी बोल सकते थे यहाँ रहते थे। पावर कंपनी को लेकर रेस्ट हाउस में आपकी दो बार बैठक हुई जी, 100 से ज्यादा कारखाने तैयार है, कनेक्शन नहीं दिया जा रहा। हाँ, इस सवाल के ऊपर दो दो घंटा तीन तीन घंटा रेस्ट हाउस में मीटिंग चली, लेकिन जब भी मसाइल हुई फिर आज तो पालक मंत्री जब आपके सामने आते हैं तो सवाल पर बात करते हैं, लेकिन हाउस में फिर कोई आवाज नहीं उठाते, कंपनी पे कोई दबाव नहीं बनाते, कोई प्रेशर नहीं बनाते, आपको क्या लगता है? ये तो मंत्री महोदय बताए कि यार अगर उनके एक फोन पे काम हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो रहा है, जबकि तकरीबन 10,000 लोग जो रोजगार मिल जाएगा, इतना कारखाना है, एक लूम जो है 2.5 लोग को रोजगार देता है, और ये समझ लो 1500 से 2500 लूम के कारखाने हो सकते हैं ये, और ये हमारे आस पास में ना, वो बताने का मैं भूल गया कि हमारे आस पास जो है ना किसान आत्महत्या नहीं करता है, क्यों नहीं करता है कि जब धूप रहती है किसान को काम नहीं रहता है तो हम खेड़ों पे जाके, देहातों में जाके, सैजिंगों में उनसे काम लेते हैं और उनको रोजगार देते हैं। ये पावर लूम बढ़ेगा तो उनका भी रोजगार बढ़ेगा। एक मेरी बहन या एक मेरी मौसी एक टोकरे में जाम लाती है, एक चौरस्ते पे बैठती है तो उसको 2 घंटे में छुट्टी मिल जाती है, रोकड़ा पैसा ले जाती है, क्योंकि यहाँ शहर में हफ्ते से पगार होती है मजदूरों को। पालक मंत्री बिजली के सवाल पर असेंबली में आवाज नहीं उठाते या कंपनी पर कोई दबाव नहीं बनाते, आप क्या कहेंगे? क्यों नहीं पालक मंत्री ये गलत करते हैं, वो शहर उनका है और उनके पास कंप्लेन एक नहीं 10 मरतबा दी जा चुकी है, तो ये उनको जरूर वहाँ पर अगर मंत्री है तो वो तो चीफ सवाल उठाने की बजाय वो कार्रवाई कर सकते हैं ना, मंत्री का तो इतना पावर रहता है ना। अब हसीम आजमी हाउस में आवाज उठाते हैं, हाँ, लेकिन जिनका क्षेत्र वो बिजली कंपनी के जुल्म पर खामोश क्यों है, ये सवाल है। सवाल आपका बराबर है, देखिए ऐसा है कि हर एक को ये सोचना रहता है, जैसे मैं बुनकर हूँ, मेरे को बुनकर मसाइल पूरी तरह से मालूम है, मैं फौरन ये मसाइल पे आवाज उठा दूंगा। मुफ्ती इस्माइल साहब आलिम दीन है, वो बुनकरों को जो है वो बुनकरों से बात करके उनको सवाल उठाना चाहिए, और क्यों नहीं सवाल उठाने के बाद मसाइल रखने के बाद उसका जो कारपुरतुता है कि भाई मैंने ये सवाल उठाया, ये सब स्टेशन क्यों नहीं तैयार हुआ, क्या रुकावट आ रही है उसको दूर करना चाहिए और वो काम शुरू करवाना चाहिए। ये एमएलए का काम है, जो अबू हाशिम आजमी हो, मुफ्ती इस्माइल हो या दादा भुसे हो, ये सब इन लोगों का काम है कि आवाम के हित में ऐसे काम होना चाहिए।